तो सबसे पहले देखो, बाकी बात बाद में करेंगे, आप पहले यहाँ का मॉर्निंग व्यू चेक करो। तो ये है नैनीताल, है वो है न्याय के लिए, है गॉड ऑफ जस्टिस। ओके, इसका फैसला किसी कोर्ट में नहीं होता ना भैया, फिर वो यहाँ आता है कोर्ट में, इसी वजह से। सर कैसी धाम निकल रहे इधर से? वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा नाना मत्ता साहब, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हो। हम लोग दिन में इस गुरुद्वारे साइड से निकले थे, बट गाइस अभी देखो इस गुरुद्वारा साहब पे जब नजर उतार रही है ना, तो नजर बिल्कुल भी नहीं हट रही इस गुरुद्वारे को देख के बिल्कुल भी। सो गाइस अभी देखा जाए शाम के 5:30 बज रहे हैं, और मतलब हिल्स एरिया पे ना काफी जल्दी अंधेरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री नाना मत्ता साहब, जो कि उत्तराखंड में है और रुद्रपुर के मतलब नियरेस्ट एकदम। तो गाइज आगे कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, बस देखने का ही मन कर रहा है। आप देखो कितना प्यारा डेकोरेट किया गया इस गुरुद्वारे को, हर एक कोने से देखो मतलब। तो फिलहाल आपको मैं छोटी सी हिस्ट्री बता दूं, गुरु नानक देव जी जब कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले थे तो इस गुरुद्वारे की साइड आए थे, मतलब इस एरिया की साइड पर आए थे। तो उन्होंने कुछ यहाँ सिंधों का अहंकार तोड़ा था, तो उसके बेस पर कुछ गुरुद्वारा मतलब स्थापित किया गया। तो आप देखो इस गुरुद्वारे को, फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। और गाइज सबसे बेस्ट थिंग ये है कि आज नाना देव जी का जन्म दिवस है, जिस दिन हम यहाँ पहुँचे हैं। हम तो बस ऐसे अपने हिसाब से घर से निकल गए थे, तो अभी हम लोग नेपाल होके आ चुके हैं और शाम के टाइम हम यहाँ गुरुद्वारा साहब पहुँच चुके हैं। तो चल रहे हैं इस गुरुद्वारा साहब के अंदर, जाके आपको दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि दिन में तो इतनी ज़्यादा संगत आ रखी थी यहाँ पे कि हम लोग अगर अंदर आते तो शायद हम लोग यहाँ दर्शन सही से कर ही नहीं पाते। फिलहाल शाम का टाइम है और अभी भी देखा जाए तो काफ़ी सारी संगतें यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही हैं। तो चलते हम लोग भी अंदर, अंदर जाके एक बार दर्शन करते हैं। तो बाइक हमने ना सामने वहीं अपनी पार्क कर दी है, वहाँ पार्क करके और अपना जो लगेज है सारा क्लॉक रूम के अंदर रख दिया है, शूज़ वहाँ सामने रख दिए हैं जो कि बिल्कुल नियर है। अब अंदर चलते हैं, मत्थे एक बार टेक लेते हैं। और बैक साइड पे जो झील है, जहाँ मतलब जो आपको दिन में मैंने दिखाया था जाते जो पहले पार्ट के अंदर था, तो वो भी अभी एक बार उस साइड भी चलते हैं। और देखो स्नान तो मुश्किल है इस टाइम करना, बट एक बार हाथ में धो के अपने जितने भी पाप हैं वो धो लेते हैं एक बार। तो चल रहे हैं एक बार अंदर, आप यार बस देखते रहो कितना प्यारा सजा हुआ गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारे साहब के अंदर एंट्री तो हमने कर ली है और मैंने यहाँ पर्ची कटवा ली है कड़ा प्रसाद की, और गुरुद्वारे के अंदर आ रहे और कड़ा प्रसाद नहीं खा रहे तो क्या ही आनंद ले रहे हो आप। तो अभी क्या है कि प्रसाद वाली पर्ची ले ली है, प्रसाद भी मिल चुका है और यहाँ से भी अंदर चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यार देखो जितना दूर से प्यारा लग रहा है देखने में, और उतना पास जाके भी और खूबसूरत लग रहा है। तो अभी चल रहे हैं अंदर आके माथा टेकते हैं। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो चुके हैं, अभी हम गुरुद्वारे साहब से निकल रहे हैं और सांस इसलिए फूल रही है कि बैग मेरा बाहर रह गया था, जहाँ हमने शूज उतारे थे मेरा बैग वहीं भूल गया और मुझे ध्यान ही नहीं। हम लोग अंदर दर्शन ही करके आ गए, जब उसको जब बाहर आने लगे तो मैं अपना बैग देखने लगे बैग कहाँ गया। तो गाइस जहाँ मैंने बैग अपना उतार के रखा हुआ था, मेरा बैग सेम एज इट इज़ वहीं रखा हुआ था, किसी ने छेड़ा भी नहीं मेरा बैग, क्योंकि इस टाइम इसके अंदर गोप्रो कैश और मतलब सारी मेरी जितनी गैजेट्स हैं, जितनी मेरी एसेसरीज हैं, सारी की सारी इसके अंदर रखी हुई थी। तो गाइस बहुत बड़ा कलेश पड़ रहा था, बट किसी ने इसको टच भी नहीं करा, जैसे रखा था एज इट इज़ मुझे रखा हुआ मिला। और अगर आज ये बैग मेरा खो जाता तो लंका लग जाती। तो अभी फिलहाल दर्शन हो गए, देखते लंगर करेंगे यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होगी तो, नहीं है तो फिर देखते हैं आगे वहाँ पे अपना रूट एन रूट करना फिर हमने। तो अभी हम लोग गुरुद्वारा साहब से निकल के सरोवर साहब की साइड आ चुके हैं, बट लिटरली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, चाहे ये नाना मत्ता साहब गुरुद्वारा हो और दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा हो, अगर आप दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे पहली बार गए हो और डायरेक्ट इस गुरुद्वारा साहब में आओगे तो आपको बताऊँ भ्रम होगा बहुत तगड़ा वाला कि आप बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर ही घूम रहे हो। गाइस बिल्कुल सेम ए टू जेड जिसको देखने के लिए बोलते हैं कि बिल्कुल सेम, मतलब डिट्टो को भी लग रहा है, ऐसे लग रहा है देखने में कि हम दिल्ली वाले गुरुद्वारे में हों और ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली में बंगले साहब गुरुद्वारे में हों। अब देख लो हर एक कोने से और सेम रास्ता, देखो गुरुद्वारा साहब का ज़्यादा कलर वाइट ही होता है और सेम रास्ता आने का जाने का, जो बगल में घूमा है और जो बगल में प्रसाद देने का जो एरिया है, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको लगेगा कि आप दिल्ली के बंगले साहब गुरुद्वारे में हों। तो फिलहाल देखो दर्शन हमने कर लिए यहाँ पे, प्रसाद हमने खा लिया
और यहाँ से अब रवाना होते हैं बाहर की साइड। अभी आगे देखो प्लान हमारा कहीं और का भी बना हुआ है, तो यहाँ पर बाहर निकल के डिसाइड करते हैं, क्योंकि 5:30 बजे देखो कितना अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, और पहाड़ों पे रिस्क तो रहता है लेकिन मज़ा भी पूरा आता है रात को राइड करने का। तो अभी आरके से प्लान करता हूँ, देखता हूँ किस साइड जाना होगा। सो गाइज, दिन की शुरुआत हो रही है अपनी नैनीताल से, तो हम लोग रात को नैनीताल पहुँच चुके थे यार। रास्ता मतलब बीच में पैच इतने गंदे गंदे थे और गोप्रो वगैरह सब डाउन हो चुका था, तो मतलब लोग छूट ही गया। फिर उसके बाद यहाँ के हमने होटल में स्टे करा और अब जाके उठे हैं, तैयार हुए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने आगे दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। तो सबसे पहले देखो बाकी बात बाद में करेंगे, आप पहले यहाँ का मॉर्निंग व्यू चेक करो। तो ये है नैनीताल और इतनी शांति भरे यहाँ सुबह आज देखने के लिए मिली है। और फर्स्ट ये था मेरा नैनीताल में, मतलब पहली बार नैनीताल रुकना हुआ है, आना तो बहुत बार हुआ है बट नैनीताल आज हम पहली बार रुके थे। एंड इसके बाद हम निकलेंगे आगे कैची धाम और 2 दिन मंदिर और है, और नैनीताल की शांति देखने में यार अच्छी सी लगती है। और सामने जब ये झील हो नैनीताल की तो यार एक अलग ही देखो ना क्या मतलब मज़ा बांध रखा है। तो अभी सुबह के टाइम बज रहा है 8 और रेडी हो चुके हैं, बस यहाँ से निकलने वाले हैं, बाइक अपनी क्लीन वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। और गाइस कल इतने गंदे गंदे सीन हुए अपने साथ, सबसे गंदा सीन अपने साथ ये हो गया कि जो अपना गोप्रो था, गोप्रो का माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा कहीं भी यार। तो जितनी भी मतलब वीडियोस वगैरह बनी थी अब उसको देखता हूँ क्या नाम है, उसको वॉइस ओवर या तो फिर करना पड़ेगा या जैसे भी उसको एडजस्ट करूँगा। फिलहाल में पहला पार्ट तो हो गया जैसे तैसे की। मैं पहले आपको यहाँ पे मॉर्निंग का वेदर बता दूँ, ऐसी कुछ खास ठंड नहीं है अभी फिलहाल, जो जैसे मैं फील कर रहा हूँ वही दिल्ली एन सी आर मतलब ठंड है यहाँ पे। एक होता है कि पहाड़ों पर ठंड कुछ अलग तरीके की होती है, फिलहाल यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास पता नहीं चल रहा ठंड का, मुझे तो पता नहीं चल रहा। बाकी देखो थोड़े बहुत लोग तो मतलब घूम रहे हैं टोपी टोपी पहन के। तो अभी फिलहाल नवंबर चल रहा है और नवंबर में कुछ नैनीताल देखने में ऐसा लग रहा है, अगले महीने से हो सकता है कि पूरा वाइट में कवर हो जाए नैनीताल, क्योंकि अगले महीने से स्नोफॉल वहाँ पर नहीं स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट वहाँ पे बाइक का क्लीनअप वगैरह चल रहा है और बैग्स वगैरह हमारे रेडी है। और यहाँ हमने रात को होटल में स्टे कर लिया था, ज़्यादा महंगा तो नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब 800 में कमरा मिल गया था रात को। और सिंगल एक छोटा सा कमरा है, उसकी एक यही बालकोनी है और इस बालकोनी से इस चीज़ का व्यू है। तो यार 800 में और क्या चाहिए फिलहाल, अभी फिलहाल ऑफ सीज़न चल रहा है, सीज़न में तो देखो बहुत महंगे महंगे यहाँ कमरे हो जाते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसा ऐसा दिखता नहीं था ऊपर से यार, मतलब हम लोग ना ज़्यादातर हमारा निकलना होता है मॉल रोड से, फिर मॉल रोड से निकलते हैं इन चीज़ पर ज़्यादा हम फोकस नहीं डालते, मतलब अगर दिखते तो हमें आसपास हमारे लेक दिखती है या क्राउड दिखते हैं या मॉल रोड की शॉप दिखती है, बट नैनीताल जब अंदर घूमोगे तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मतलब शोर शराबा है, शांति है नैनीताल में लेकिन वो सुबह के टाइम में है। और जैसा कि आज वीकडे है, आज देखा जाए तो ट्यूसडे है, तो वीकेंड्स पर तो अंधा क्राउड होता है पुलिस स्टेशन में हर जगह। तो बस निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल से और कैची धाम के लिए भी हम निकलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग मॉल रोड पे हैं और यार सुबह सुबह ना यहाँ बोटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। देखो टूरिस्ट का तो पहाड़ों पे 24 घंटे आना जाना लगा रहता है और सुबह का कुछ 9 बज रहे हैं और 9 बजे यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और माँ नैना देवी का मंदिर वो रहा सामने। तो अभी हमने यहाँ के से यू टर्न लेकर आना और यहाँ से निकलना है। तो आर के भाई की इच्छा थी क्यों ना हम एक बार यहाँ से होते निकले और थोड़े से कुछ रिएक्शंस लेते चले यहाँ से। और ऑलरेडी एक रिएक्शन की वीडियो अपनी आरएस की नैनीताल में हमारा शूट हो चुकी है जो कि बहुत कहड़ी चल रही है अभी तक, इतनी क्लीन एयर के अंदर राइड करना गाइस। और आरएस भी ना जब सुबह से चलती है ऐसा लगता है किसी ने इसके अंदर मक्खन डाल दियो। सर कैची धाम निकलना है इधर से, थैंक यू। सो गाइस अभी हम नैनीताल छोड़ रहे हैं, नैनीताल से निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। और इसकी बाइक ने यार डीजे सब बजा रखा है, दूर थी पता चल रहा कि आ रही है। तो
इस नैनीताल से हम 5-6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और जस्ट अभी हमको ध्यान आया है कि यहाँ पे गोलू देवता का मंदिर है जहाँ हम जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने प्लान करा कि पहले हम गोलू देवता के मंदिर जा रहे हैं जो कि बेल टेम्पल के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। तो पहले एक बार वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके फिर कैची धाम निकल जाएंगे। जस्ट आगे कट आने वाला, उस कट से रास्ता निकलेगा कैची धाम के लिए निकलेगा, बट हमको सीधा निकलना है जैसा कि गूगल मैप बता रहा है। तो चलो पहले एक बार यहाँ से हम गोलू देवता मंदिर निकल जाते हैं। तो जब यार इतनी दूर आ रखी है तो यहाँ भी मतलब होते हैं निकल जाते हैं एक बार। सो गाइस इस कट से लेफ्ट मारेंगे तो कैची धाम है और यहाँ से अगर राइट मारते हैं तो यहाँ पे गोलू देवता का मंदिर आ जाएगा जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। सो गाइस यहाँ से गिनती का बस 2 किलोमीटर रह गया है गोलू देवता मंदिर। पहाड़ी स्टार्ट हो गई है जो कि ऊंचा रास्ता है, बट इसका रास्ता ना कैची धाम से अलग निकल जाता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर का बस फर्क आ जाता है, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना। तो अभी हम लोग पहुँच चुके थे गोलू देवता जी के मंदिर जो कि मंदिर हमारी बैक साइड पे है। तो बाइक हमने वहाँ पे पार्क कर दी है, पार्क करके अभी ऊपर मंदिर की साइड जाएंगे, बट मंदिर में हर जगह ना घंटी घंटी लगी हुई है। बट गाइस वो तो एक अलग चीज़ है, मंदिर की एक अलग श्रद्धा है जब आप आओगे, और आने के बाद गाइस यहाँ चेक करोगे। उधर वो भीम ताल है, उधर 7 ताल बता रहे हैं, उधर एक कोई और दूसरा ताल वो बता रहे हैं इस पहाड़ी की बैक साइड पे। तो भीम ताल पूरा यहाँ से ऊपर से कवर हो रहा है, पूरा भीम ताल एक एक गली नज़र आ रही है ऊपर से भीम ताल की। और नैनीताल उस साइड है, इस पहाड़ी की बैक साइड पे है। तो मंदिर वहाँ पे ऊपर आपको घंटियों की आवाज़ आ रही होगी ऊपर। तो अभी चल रहे हैं मंदिर की साइड पे, अंदर चल रहे हैं, मंदिर जाके दर्शन करते हैं, देखते हैं कैसे गोलू देवता का मंदिर है। और गाइस इस मंदिर को 3 नाम से पुकारते हैं, एक गोलू देवता का मंदिर है, साथ में बेल टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है, और साथ में घोड़ाखाल मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। तो चल रहे हैं अब अंदर की साइड और दर्शन करते हैं। गाइस अभी यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आए थे और देखा जाए तो यहाँ काफ़ी तरीके का प्रसाद है। तो भैया को इसमें एक्सप्लेन कर दे किस टाइप का प्रसाद कैसे कैसे चढ़ता है, भैया एक बार बताओगे आप? गोलू देवता का मंदिर है भैया, घंटी वाला मंदिर। इस मंदिर पर करोड़ों की संख्या में है घंटियाँ, छोटी घंटियाँ जो है इस मंदिर में चढ़ती हैं प्रसाद रूप में। आप अपने नाम से नहीं फैमिली के नाम से, पर ऐसे भी चढ़ा सकते हो। बड़े घंटे जो है फिर वो चढ़ते हैं मनोकामना पूरी होने के बाद। जो बड़ी वाली घंटी इस टाइप की घंटी है जो मनोकामना पूरी होती है वो है न्याय के लिए, है गॉड ऑफ जस्टिस। ओके, इसका फैसला किसी कोर्ट में नहीं होता ना भैया, फिर वही आता है कोर्ट में, इसी वजह से मान्यता है इस मंदिर में। तो जो भी हो तुरंत रिजल्ट निकल के आता है, साक्षात फैसला होता है, पर दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर हो जाता है जी। अच्छा, इसी वजह से मान्यता है इस मंदिर। और जैसे आप साथ बता रहे थे इसकी कोई मान्यता पूरी नहीं होती, वो भी यहाँ पूरी हो जाती है, साक्षात काम होता है, पर कोई आपकी मनोकामना अगर ऐसी है जो कहीं पूरी आपकी नहीं हो पाती। अच्छा, आप अपनी अर्जी साक्षात लगा सकते हैं। तो कुछ बता रहे थे ना अर्जी के लिए कुछ लिख के रखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? दो ऑप्शन है भैया, या तो आप अगर लिख के ले आना चाहो तो लिख के ले आओ। अच्छा, मतलब लिख के जनरली वो लोग लेके आते हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे। ओके, आप साक्षात आ रहे हो तो अपनी मनोकामना मन में बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो। अच्छा, मतलब अगर बाय चांस घर किसी फैमिली से भेज रहे हैं किसी को तो वो लिख के ले आए, मतलब हो जाता है? हाँ, मतलब बिना पढ़े हुए लिख के ले आए। ओके, या लिखना चाहो तो मैं आपको कागज पेन दे सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन है, मतलब जो भी होगा तुरंत यहाँ फैसला हो जाएगा, साक्षात काम होता है। चलो चलते हैं अंदर। बाकी इस मंदिर को घोड़ाखाल मंदिर का नाम है। अच्छा, घोड़ाखाल जगह का नाम है, मंदिर का नाम है गोलू बाबा टेम्पल, गोलू बाबा टेम्पल के नाम से। अच्छा, वैसे बाहर बोर्ड लगा था ना घोड़ाखाल मंदिर के नाम से, मंदिर का नाम, मंदिर का जगह का नाम। अच्छा, प्लेस का नाम है घोड़ाखाल, मंदिर का नाम है। अच्छा, सो गाइस देखो ये लोकल लोग हैं यहाँ के और इनको देखो ज्यादा नॉलेज होती है, इसलिए मैंने इनसे पता कर लिया। तो चल रहे हैं मंदिर की साइड। तो अभी मंदिर के अंदर हम पहुंच चुके हैं, सगाई सामने मंदिर है, चलते हैं। बट मंदिर घंटियों से इतना कवर हो रखा है कि आप देख रहे हो कुछ नजर ही नहीं आ पा रहा। मुझे लगा है यहाँ पे ना कुछ डिज़ाइन सा कर रखा है, आपको मैं जूम कर दिखा दूँ, यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ डिज़ाइन कर रखा है। तो गाइज यहाँ भी घंटियाँ बंधी हुई है, जैसे कि बता रहा था यहाँ अरबों की तादाद में घंटियाँ है यार, इतनी घंटियाँ देख रहे हो। तो यार मान्यता है लोग तभी तो आके यहाँ ये चीज़ें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी घंटियाँ लोग ऐसे सुना के बांध रहे हैं, लोगों की जो मनोकामना है पूरी हो रही होगी तभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आर के का वेट करूँ, आर के अंदर आ रहे, उसके बाद अंदर जाके प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मैंने प्रसाद ले लिया था, बोला 151 का प्रसाद था, ओला ले लिया मैंने। तो इसमें भी एक छोटी सी घंटी है, अभी मैं भी बांधूंगा घंटी अंदर जाके। तो बस चल रहे हैं आर के आ रहे, एक बार देखो घंटी कितनी बड़ी बड़ी घंटी, जगह जगह घंटी घंटी बंधी पड़ी है।